हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एशियन स्टार कंपनी लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आउट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट शो कर रहा है, लैक्स में नंबर्स दिए गए। इनकम की बात करेंगे 806 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1331 करोड़ था। दिसंबर 21 क्वार्टर में 1151 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे गाइस एक्सपेंसेस देखेगा तो इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, 788 करोड़ का पिछले क्वार्टर पिछले साल के कंपेयर में। प्रॉफिट्स कंपनी का इस बार जो निकल के आया है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 13 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ था। दिसंबर 21 क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। EPS 8.31 रुपीज़ का है पिछले क्वार्टर और पिछले साल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। तो गाइस कह सकते हैं कंपनी का कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक इस बार पेश किया। अगर हम लोग स्टैंडअलोन फिनेंशियल रिजल्ट्स कवर करें, नंबर्स लैक्स में दिए गए। इनकम 710 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1008 करोड़ था। दिसंबर 21 क्वार्टर में 748 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट्स कंपनी का इस बार जो पेस हुआ है यहाँ पे देखिएगा तो 11.6 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ था। दिसंबर 21 क्वार्टर में 8.7 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर में तेज़ी देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है गाइस कंपनी का प्रॉफिट में आने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का पिछले साल एक्सेप्शनल आइटम्स में 5.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल डाउन हो गया और इस बार इंक्रीज हो गया। EPS 7.25 रुपीज़ का है। पिछले क्वार्टर से तो डाउन है, बट पिछले साल से तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखिएगा तो कंपनी की जो रिजल्ट इस बार पेश हुआ बहुत ही ज़्यादा वीक रिजल्ट इस बार पेश होती हुई नज़र आई है। अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी डायमंड्स, ज्वेलरी और अदर्स इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट करता है। डेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि उतना अच्छा रिजल्ट इस बार कंपनी ने पेश नहीं किया। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।